कहानी पूरी फिल्मी है, ऐसा या तो आपने फिल्मों में सुना होगा या टीवी सीरियल में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर हकीकत हुआ। मजदूरों की किस्मत रातों रात चमक गई, लेकिन मजदूर की एक गलती ने उसके लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी कि अब दो दो राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ गई है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, आप समझिए। समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कहीं सोने का सिक्का मिल जाए, और वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि 50 ग्राम का। अब सोचिए कि 50 ग्राम का एक नहीं बल्कि 240 सिक्के अगर मिल जाएं तो आपका क्या हाल होगा। हाल क्या होगा उसके लिए कल्पना आप इस खबर से कीजिए, क्योंकि ऐसा हुआ है और ठीक ऐसा ही हुआ है जहां एक परिवार को एक या दो नहीं पूरे 240 सिक्के मिले हैं और सब सोने के। इन सिक्कों की कीमत भारत में 1,56,00,000 और इंटरनेशनल मार्केट में 7,20,00,000 रुपए बताई जा रही है। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि सोने के सिक्कों का ये जखीरा किसी धन्ना सेठ को नहीं मिला बल्कि मध्य प्रदेश के एक गरीब परिवार को मिला। लेकिन अब ये परिवार सदमे में है। इस परिवार का कहना है कि सारे सिक्के पुलिस वालों ने लूट लिए, अब कुछ नहीं बचा, एक सिक्का बचा था वो भी दे दिया। सिक्का मिला था गुजरात के वलसाड़ में, इसलिए अब गुजरात पुलिस की भी एंट्री हो चुकी है। जिन्हें सिक्का मिला उन्हें तफ्तीश के लिए गुजरात पुलिस ले गई। लेकिन सवाल ये है कि सिक्के मिले कैसे और इसके बाद क्या हुआ। दरअसल इस मामले को लेकर रमकू के भतीजे शिवम का बयान सामने आया है। शिवम ने बताया, परिवार में 10 से 12 सदस्य हैं, लेकिन इसकी खबर किसी को कानो कान नहीं थी। 19 तारीख को जब पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ बसलूकी कर डरा धमका कर सोने के सिक्के निकाल कर ले गए, उसके बाद ही हमें इस बात की जानकारी मिली कि हमारे घर में इतना सारा सोना था। शिवम आगे बताते हैं कि पिछले साल दिसंबर माह के करीब मेरे बड़े भाई, भाभी, काका और काकी मजदूरी करने के लिए गुजरात राज्य के वलसाड़ गए थे। फरवरी माह में मेरी दादी का देहांत हो गया, जिसकी खबर लगने के दूसरे दिन सभी परिजन घर लौट आए। उसी दौरान ये सोने के सिक्के वहां से लेकर आए थे। उधर इस मामले पर रमकू के तेवर का भी बयान सामने आया है। वो किस्मत को कोस रहे हैं। उन्होंने कहा, ये सिक्के हम कहीं चोरी करके या लूटपाट करके नहीं लाए, ये तो हमारा नसीब है जो हमें नसीब से धन प्राप्त हुआ था। लेकिन कुछ लुटेरे पुलिसकर्मियों ने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। हमारे परिजन को सही सलामत घर तक छोड़ा जाए, इतनी परेशानी देखकर तो लगता है कि सिक्के ना ही मिलते तो अच्छा रहता। अब इस पूरे मामले पर पुलिस की पैनी नजर है, जहां इस पर पुलिस का भी बयान आया है। एसपी हंसराज सिंह ने बताया, आदिवासी महिला द्वारा लाए गए सिक्के की अलीराजपुर लॉकर एक ज्वेलर से जांच कराई तो वो सोने का निकला। सिक्के पर जॉर्ज 5 लिखा हुआ है और ये भारत की आजादी से पहले साल 1922 में ब्रिटिश हुकूमत ने जारी किया था। अगर महिला का दावा सही है तो 240 सिक्कों की भारतीय कीमत 1,56,00,000 रुपए होती है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सभी सिक्कों की कीमत 7,20,00,000 रुपए आंकी जा रही है। इस सिक्के को आखिरी बार 1922 में ही जारी किया गया था, इनकी टकसाल भी भारत में नहीं थी। ऐसे में सवाल गहरा गया है कि आखिरकार इतना सारा सोना था किसका और इसका असली मालिक कौन है। तो आपको बता दें कि इसे लेकर भी पुलिस का बयान सामने आया है, जहां एसपी का कहना है, फरियादी पक्ष के लोगों को लेकर पुलिस मौके पर गई, जहां पर खुदाई में सोने के सिक्के मिले थे। साथ ही उस परिवार का रिकॉर्ड भी खंगाला गया, जिसमें 1950 तक का रिकॉर्ड हमें मिल चुका है। इससे ये सिद्ध होता है कि उनका परिवार आजादी के पूर्व से ही पैसों के मामले में संपन्न रहा है। दो भाइयों का परिवार था, एक भाई के परिवार के कुछ लोग विदेश चले गए हैं और कुछ मर चुके हैं, वहीं दूसरे भाई की औलाद जुआरी थी, वो यहीं रुक गई और उसका परिवार आज वहां पर मकान बनाकर रह रहा है। यही शब्बीर भाई बालीवाला है, जिनके घर सोना मिलने की बात कही जा रही है। विस्तार से जांच की जा रही है, पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। हालांकि इस बीच कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या हो अगर आपको भी ऐसे ही सोना मिल जाए तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक किसी स्थान पर खजाना मिलने पर उसे जब्त कर सरकार के पास जमा करा दिया जाता है। उसके बाद खजाना या तो पुरातत्व विभाग के पास जाता है या सरकारी खजाने में। ये इस पर तय होता है कि मिला खजाना कितना पुराना है। अगर कोई आर्कियोलॉजिक सर्वे वाली चीजें मिली जो 200 से 300 साल पुरानी है तो वो पुरातत्व विभाग के पास जमा हो जाएंगी। अगर ठोस सोना मिला है तो सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा, और जिसे भी खजाना मिला है कानून के मुताबिक उसे सबसे पहले पुलिस को सूचना देनी होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।